अस्सलाम वालेकुम महमूद सईद, हम हैं पाकिस्तान जर्मनी। मैं एक बड़ी अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि चंद माह से जर्मनी में पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म अंदाज से मुहिम चलाई जा रही है, और उसमें जो लीड कर रहे हैं इस मुहिम को, जो बाजार जो सामने हैं वो अफ़ानी हैं, जो तारकिन वतरियाँ पे आए हुए हैं अफ़ानी वो हैं, और वो इंडिया नवाज हैं ज़्यादातर, शायद अक्सरियत उनकी, और वो यहाँ पर मुख्तलिफ चौंका ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ इजाज़त लेकर वो जलसे जुलूस करते हैं, और इंतहाई नाज़ेबा किस्म के वो अलकाबात और या नारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मारते हैं। तो ये एक बड़ी इंतहाई अफसोसनाक बात है। इसी नतीजे में मतलब हमने देखा कि चंद माह पहले पाकिस्तानी कौंसलेट पे झंडा जो उतारा गया है, और उसके लिए उसमें अफ़ानी मुलवत पाए गए। तो मेरी ये अपनी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी जो जर्मनी में मुकीम है, इनसे दरख्वास्त है कि मिलकर कोई ऐसा लाइमल बनाएं, ये जो मुनज़्ज़म तौर पे जो प्रापोंडा चल रहा है इसका तोड़ करने के लिए कोई ऐसा मीटिंग करें या कोई ऐसा इज्तिमा करें जिसमें हम लोगों को अवेयरनेस भी दें और दुनिया और लोगों को बताएँ भी कि पाकिस्तान वो मुल्क है दुनिया का जिसने दुनिया में दहशतगर्दी के लिए के खात्मे के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है, जिसमें हमारी पाक फौज के की शहादतें भी शामिल हैं, अवाम की भी शहादतें शामिल हैं, और हमने मुआशी तौर पर बड़ा नुकसान उठाया। तो मेरी दरख्वास्त ओवरसीज पाकिस्तानियों से ही है, पाकिस्तान में रहने वालों से नहीं, जो यहाँ रहते हैं जर्मनी में, और ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ तंजीमों के सरबराह हैं, जो जिम्मेदारान हैं, जिनको चंद लोग समझते हैं और वो मुतहरक हैं सोसाइटी में, तो उन्हें चाहिए कि मिलजुल के एक ऐसे कोई प्रोग्राम तरतीब दें कि ऐसे जो मजमूम मुहिम चल रही है इसका तोड़ किया जाए। इसमें से वो नारे मुझे वो सुनाई देते हैं नारे जो चंद कुछ अर्सा पहले हमारे अपने लोग भी सियासी मोहब्बत में आप कह रही हैं, जो अगर उनके पर जुल्म हुआ था तो वो उन्होंने जो रद्दअमल दिखाया था वो भी नारे यहाँ मारे जाते हैं, वही नारे होते हैं, फ़र्क थोड़ा सा अल्फाज का ही होता है। तो मेरी ये दरख्वास्त है बींग पाकिस्तानी, मुझे बड़ी तकलीफ़ है और यकीनी तौर पर हर एक पाकिस्तानी को तकलीफ़ होगी कि हमारे मुल्क के मुतल अगर कोई हजरा सराई करेगा सरेआम चौकों पे खड़े होके, तो ये हमें तकलीफ देगा, और ये वो कौम कर रही है जिनको हमने पनाह भी दे रखी है, जिनके साथ हम ये कहते हैं कि हमारे भाई भाई हैं, कोई चक्कर ही नहीं है, हमेशा ज़मीन और ज़बान से कौम बनती है। तो इसलिए मेरी जर्मनी की तमाम तंजीमों से दरख्वास्त है कि इस सिलसिले में कोई लाएमल तरतीब दे और इस मुनज़्ज़म साजिश को का तोड़ करें। बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।